आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, है ना। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 साइंस का चैप्टर। तो आज फिर हमने फर्दर पढ़ा था, सेल का डेफिनेशन दिया था, सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम फिर हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है हमारे सेल ऑर्गेनेल, है ना। एक सेल ऑर्गेनेल देखिए, तो इसका फंक्शन क्या होता है जी। तो बेसिकली जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन होता है जी ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। कैसे करता है जी, दो प्रोसेस से करता है, डिफ्यूजन के थ्रू और ऑस्मोसिस के थ्रू। हमने देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्ट वो कैसे कर रहा है जी, वो ऑस्मोसिस के थ्रू कर रहा है ना। आज हम उसके ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं कि देखिए ये तीन वे में ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो मेथड्स थे, ये वे है, तीन वे में ट्रांसपोर्ट करता है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है और बल्क ट्रांसपोर्ट करता है ना। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर कंसेंट्रेशन पे अपने आप ही फ्लो कर रहा है, जैसा कि हमने डिफ्यूजन में देखा था। वो क्या है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, किस तरह के आयंस उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही सेल मेम्ब्रेन जिसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल्स का। तो अगर हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है आयंस और ग्लूकोज का ट्रांसफर, कि जो हम फूड लेते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, है ना, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होके, है ना, ग्लूकोज बनाता है, फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचता है, है ना। तो इस वाले ट्रांसपोर्ट को हमने कहा है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज और आयंस का ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर ग्लूकोज की सेल में बर्निंग होगी जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो हम अगला जब रेस्पिरेशन प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो तीन ऐसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, विदाउट फोर्स होता है, बहुत इजीली होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, जिसको हमने बोला आयंस, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसफर, जिसको जिस प्रोसेस को हमने बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, जिसमें हमें विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ रही है हमें। अगला हम देखते हैं, जब हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का, तो ये अपने आप नहीं होता है जी, हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साइड से, है ना, हमें सेमी परमेबल के इन साइड से आउटसाइड से हमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, तभी इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं क्या कहते हैं जी, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो फोर्सिबली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, है ना। अच्छा जी, उसमें किस तरह के मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ये कैसा ट्रांसपोर्ट कहलाता है जी, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उससे जो है इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अगला है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा है, क्वाइट इजीली नहीं होता है, उसमें भी प्रोसेस होते हैं, वो भी एक फॉर्सिबल ट्रांसपोर्ट है। कैसे, बल्क मटेरियल्स हमारे जैसे हम बात करते हैं फैट्स की और लिपिड्स की, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, दूसरे जो सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस द सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो देखो कैसे हो रहा है, ये होता है जी दो प्रोसेसेस, उनको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, है ना। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है, देखिए ये क्या है हमारे, ये लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको कैसे हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करें, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है जो आपस में फोल्ड करता है, है ना। उसके फोल्ड होने से क्या होता है, उसमें कैरियर वेसल्स जनरेट होते हैं, वो कैरियर वेसल्स क्या करती हैं, उन मटेरियल्स को खींच के लाती हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अक्रॉस करवाती हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट, जिसमें वो क्या करती है, देखो क्या है, वो क्या करता है, बल्क मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कैरियर वेसल्स से करता है।
कैरियर वेसल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो कैरियर वेसल जनरेट हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं उससे कैरियर वेसल्स जनरेट होते हैं। वो कैरियर वेसल्स जो है उन मटेरियल्स को जो फैट्स या लिपिड एसिड्स या मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उन मटेरियल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके लाते हैं सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करवाते हैं। तो उन कैरियर वेसल्स को जो कि मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन तक लेके आते हैं और अक्रॉस करवाते हैं, है ना, उन कैरियर वेसल्स को हमने एंडोसोम्स कहा है। उन कैरियर वेसल्स को हमने एंडोसोम्स कहा है और इस प्रोसेस को हमने एंडोसाइटोसिस कहा। ठीक है जी, आइए अब अगला देखते हैं इसमें क्या है जी, एक्सोसाइटोसिस। देखिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। एंडो का मतलब है जहां हम मटेरियल्स का एक्सचेंज आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल करा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एक्सो मतलब आउटसाइड, है ना, कि हम सेल के इंटरनल में इंटरनल कुछ मटेरियल्स को जो है कि एक्सक्रीट करा रहे हैं, सेक्रीट करा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, है ना। ये दो प्रोसेस है जी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सपेलिंग एक्सपेलिंग ऑफ द, है ना, द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सराउंडिंग, है ना। सेल के इनसाइड से मटेरियल्स को सेल के आउटसाइड में एक्सक्रीट कराना, ये कहलाता है हमारा एक्सोसाइटोसिस, है ना। तो ये था जी आपका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा हुआ। आएंगे हम फिर नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। शुक्रिया।